तो वहीं इंदौर में पटाखा फोड़ने पर दो पक्षों में विवाद के बाद तनाव बना हुआ है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर की घटना पर सख्ती दिखाई है। कानून हाथ में लेने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी धर्मों के लिए सरकार दृढ़ता के साथ खड़ी है। सरकार में कोई पटाखा जलाने से रोके ये संभव नहीं। सभी को दायरे में रहकर सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री के द्वारा ये कहा गया है कि जो भी शख्स कानून को हाथ में लेगा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, सौहार्द बनी रहे, लेकिन जो भी शख्स कानून को हाथ में लेगा उसे नहीं बख्शा जाएगा। सभी धर्मों के लिए सरकार दृढ़ता के साथ खड़ी है। सभी को दायरे में रहकर सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। इंदौर में पटाखा फोड़ने पर दो पक्षों में विवाद के बाद सीएम की प्रतिक्रिया। जो दीपावली मना रहे बच्चे बड़े पटाखे जला रहे थे उनको पटाखे जलाने से रोका गया। कानून व्यवस्था हाथ में लेने का प्रयास किया और ये हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं है। हमने कहा हम सभी धर्मों के लिए सरकार दृढ़ता के साथ खड़ी है। के रहते रहते कोई पटाखे जलाने से रोके ये संभव नहीं है। जो ऐसे उपद्रवी तत्व है हमसे निपटा भी गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज है। हम सबको अपने अपने दायरे में रहकर के सभी धर्मों के भावनाओं का सम्मान भी करना चाहिए। अलग अलग जगहों से दो सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तनुश्री देसाई इंदौर से, अमितांशी जोशी भोपाल से। सबसे पहले तनुश्री आपके पास आते हुए, और क्योंकि जो अपडेट है इंदौर में इस विवाद के बाद से कहा जा रहा है कि रात को पुलिस के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया, अब क्या हालात पूरी तरीके से कंट्रोल में है? जी, फिलहाल हालात जो है वहाँ पे कंट्रोल में है। हालांकि पुलिस को जो है 1 से 1.5 घंटे का समय लगा था हालात को अपने नियंत्रण में। देर रात उन्होंने 9-10 बजे के आसपास फ्लैग मार्च निकाला। अभी भी पुलिस वहाँ पे तैनात है और लगातार गश्त कर रही है वहाँ पे। तो बिल्कुल पुलिस अभी भी वहाँ पे पेट्रोलिंग दे रही है। और चलिए भोपाल ही चलते हैं, अमृतांशी भी हमारे साथ बनी हुई है। अमृतांशी, इस पूरी घटना पर सीएम खुद वो मॉनिटर कर रहे हैं, उन्होंने लेकिन कहा है कि सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, साथ ही दो टूक कहा है जो भी कानून को हाथ मिलेगा बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, देखिए जाहिर तौर पर एक ये जो घटना है ये काफी ज्यादा संवेदनशील है और त्योहारों के वक्त जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कहीं ना कहीं प्रदेश में जो कानून व्यवस्था होती है वो जो है वो थोड़ी सी एक हम कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था को संभालना मुश्किल सा भी हो जाता है। ऐसे में यहाँ पर जैसे ही पुलिस को खबर लगी कि दो पक्षों के बीच में विवाद हो रहा है, विवाद बहुत ज्यादा बढ़ता, इससे पहले ही तमाम जो पुलिसकर्मी थे, तमाम जो बड़े पुलिस के अधिकारी थे वो सभी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की। जैसे ही मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास ही पूरा मामला पहुंचा है, मुख्यमंत्री ने देखिए तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं, चाहे वो इंदौर शहर के अधिकारी हों या मध्यप्रदेश के उच्च अधिकारी हों, सबको ये निर्देश दे दिए हैं कि आप कानून व्यवस्था को लचर मत होने दीजिए, आप कानून व्यवस्था को पूरी तरह से संभालिए और प्रदेश में चाहे वो कोई भी धर्म हो सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। सभी लोग अपने दायरे में रहकर जो भी पर्व मनाना चाहते हैं या फिर जो भी काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और ऐसे में अगर कोई कानून हाथ में लेता है, कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो कहीं से कहीं तक जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देखिए उन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने देखिए यहाँ पर साफ कर दिया है कि हम सभी के साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी धर्म हो, लेकिन जो समाज में उपद्रवी तत्व हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हों, उनकी वजह से लोगों को परेशानी पहुंच रही हो या फिर कहीं से कहीं तक प्रदेश में कानून व्यवस्था को लचर करने की कोशिश अगर उनकी तरफ से की जा रही है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाने वाला है। मुख्यमंत्री ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। तो बिल्कुल यहाँ पे मुख्यमंत्री की तरह द्वारा कहा गया है कि कार्रवाई सख्त होगी और फिलहाल हालात कंट्रोल में हैं और पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। तनुश्री, आप खबर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल अमृतांशी आप बने रहिए हमारे साथ।